रॉबर्ट डॉनी जूनियर जो हॉलीवुड फिल्मों में एक नामी अभिनेता हैं, आज इनके फैंस जैसे अमेरिका में हैं, वैसे ही भारत में भी उन्हें काफी पसंद किया जाता है। इन्होंने अपने जीवन में काफी उतार चढ़ाव देखा है, तब जाकर वो आज इस सफलता तक पहुंच सके हैं। आज वो जिस शोहरत पे हैं, उस शोहरत की लोग कल्पना ही कर सकते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं टोनी स्टार्क यानी रॉबर्ट डॉनी जूनियर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। पर इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों रॉबर्ट डॉनी जूनियर का जन्म 4 अप्रैल 1965 को अमेरिका के मैनहट्टन न्यूयॉर्क में हुआ था। रॉबर्ट डॉनी जूनियर के पिता रॉबर्ट डॉनी सीनियर भी एक एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और स्क्रीन प्ले राइटर थे। उनके पिता आधे रूसी यहूदी और आधे ईरानी थे और इनकी माँ एल्सी अपने समय की एक फेमस एक्ट्रेस थी। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों जिस और रॉबर्ट डॉनी जूनियर एक काफी समृद्ध और हाई पर्सनालिटी परिवार से ताल्लुक रखते थे, वहीं से वो धीरे धीरे विलासिता की ओर भी बढ़ने लगे थे। रॉबर्ट डॉनी जूनियर के पिता को ड्रग्स लेने की आदत थी, जिसके कारण रॉबर्ट डॉनी जूनियर को भी मात्र 6 साल की उम्र में ही ड्रग्स लेने की आदत हो गई थी और वो जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे वैसे उनकी ये लत बढ़ती गई। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों आरडीजे ने अपने फिल्मों में अपनी शुरुआत छोटे मोटे रोल निभाकर की थी, लेकिन उनको सबसे पहली मुख्य भूमिका 1987 की ड्रामा फिल्म लेस देन जीरो में मिली थी। पर आरडीजे को खास तौर पर 1992 की फिल्म चैपलिन में मुख्य किरदार के रूप में भूमिका मिली थी और उनके इस किरदार की वजह से उन्हें ऑस्कर अवार्ड भी मिला था। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों जहां आरडीजे सफलता के मुकाम पर आगे बढ़ रहे थे उसी के साथ वो ड्रग्स के भी इतने आदी होते जा रहे थे कि वे ड्रग्स को कभी खुद से दूर रखने में घुटन महसूस करते थे। और डीजे अपने इस लत के कारण कई बार खुद के साथ ड्रग रखने की वजह से अरेस्ट भी हुए थे। इतना ही नहीं, 1996 में उन्हें अपने पास इलीगल ड्रग्स और गन रखने की वजह से भी गिरफ्तार किया जा चुका है। ऐसा नहीं था कि वे ये सब छोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे थे, पर हमेशा उनके हाथ सिर्फ निराशा ही लग रही थी। आरडीजे का करियर इस वजह से ही 90 के दशक में पूरी तरह से नीचे आ चुका था और साथ ही उन्होंने काफी वक्त रिहेब में भी बिताया था, जो बेहद ही असफल रहा था। आरडीजे ने जेल में रहने के दौरान कई छोटे मोटे काम किए थे, जैसे दूसरे कैदियों के बर्तन साफ करना, पत्थर तोड़ना और टॉयलेट साफ करना। उसी दौरान उन पर कई बार हमले भी हुए, पर वो किसी न किसी तरह बच निकले। ऐसे हालात में भी उन्होंने हार नहीं मानी। फैक्ट नंबर 5, आरडीजे ने अपने डूबते करियर को संभालने के लिए साल 2001 की हिट टेलीविजन ड्रामा सीरीज एली मैकबेल में साइड रोल प्ले किया था। फिर उन्हें साल 2001 में एल्टन जॉन के गाने आई वांट लव के वीडियो में काम मिला। इसके बाद उनकी फिर से फिल्मी पर्दे पर शुरुआत एयर अमेरिका फिल्म के एक्टर मेल गिब्सन की मदद से हुई। उन्होंने आरडीजे को द सिंगिंग डिटेक्टिव मूवी में रोल दिलवाने में उनकी मदद की थी। इसके बाद आरडीजे ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे चलकर एक से बढ़कर एक सुपरहिट मूवी में अपनी अहम भूमिका निभाई। उन्होंने शर्लक होम्स के किरदार के साथ आयरन मैन जैसे किरदार को भी अपनी बेहतरीन एक्टिंग के बदौलत अमर कर दिया। फैक्ट नंबर 6, 2008 में आई मूवी आयरन मैन ने आरडीजे को एक अलग ही मुकाम में लाकर खड़ा कर दिया और उनकी ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर आते ही छा गई। इस मूवी में आरडीजे ने आयरन मैन का किरदार निभाया था। इस फिल्म के पहले तक रॉबर्ट डॉनी जूनियर के नाम से एक भी इस तरह की ब्लॉकबस्टर मूवी नहीं थी। दरअसल आरडीजे ने आयरन मैन के किरदार को इसलिए लिया था क्योंकि मूवी की स्टोरी एक ऐसे इंसान की थी जो कि अल्कोहलिक था और आगे चलकर उसने अपने साथ कई लोगों की जिंदगियां बदली थी और इस कैरेक्टर से वह ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे थे, क्योंकि टोनी स्टार्क के कैरेक्टर में जो मूवी में फेस किया था वैसे ही प्रॉब्लम आरडीजे ने रियल लाइफ में भी फेस किया है और शायद यही एक रीजन है कि उन्होंने आयरन मैन के कैरेक्टर को एक आइकॉनिक कैरेक्टर बना दिया। फैक्ट नंबर 7, फिल्मों में अपना करियर बनाने के बाद आरडीजे ने 1992 में डेब्रॉय फेल्कोनर से शादी की
की थी। शादी के कुछ ही सालों बाद उनका बुरा वक्त शुरू हो गया। उनके नशे की लत से तंग आकर उनकी पत्नी ने उनको तलाक का नोटिस भेज दिया। फिर आरडीजे ने नशे की लत को पीछे छोड़कर 2005 में सुजैन लेविन से शादी की और फिर उनकी जिंदगी में बदलाव आने शुरू हो गए। फैक्ट नंबर 8, यहाँ 2001 तक लोगों ने समझ लिया था कि रॉबर्ट डॉनी जूनियर का करियर खत्म हो चुका है, लेकिन रॉबर्ट डॉनी जूनियर ने नशे की लत को पीछे छोड़कर एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दी। आरडीजे ने आयरन मैन के किरदार को आयरन मैन 1, 2, 3, द अवेंजर्स, अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, स्पाइडर मैन होम कमिंग, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और अवेंजर्स एंड गेम में निभाया है और ये मूवी मार्वल की ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई है। फैक्ट नंबर 9, आज के समय में आरडीजे हॉलीवुड के हाईएस्ट पेड एक्टर में भी एक हैं और इनकी नेटवर्थ 400 मिलियन डॉलर के करीब है और अकेले आरडीजे ने 2008 से 2019 अवेंजर्स एंड गेम से 200 मिलियन डॉलर से ज्यादा कमा लिए हैं। वहीं आरडीजे का केमियो रोल भी कम कीमत वाला नहीं होता है, जैसा कि उन्होंने स्पाइडरमैन होमकमिंग में केवल 15 मिनट काम करने के लिए 10 मिलियन डॉलर मार्वल स्टूडियो से लिए थे। देखा जाए तो आरडीजे इतना डिजर्व भी करते हैं क्योंकि उन्होंने आयरन मैन को सुपर हीरो की दुनिया में एक आइकॉनिक कैरेक्टर बनाया है। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों आरडीजे को कार कलेक्शन का भी बहुत शौक है। उनके कार कलेक्शन में सेल्बी कोबरा, बुगाटी वेरोन, सुपर स्पोर्ट और कई ऑडिस कार शामिल हैं। इसी के साथ मालिबू में उनका 3.8 मिलियन डॉलर का एक आलीशान घर है जो उन्होंने अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की कमाई से खरीदा था। वहीं रॉबर्ट और उनकी पत्नी की ईस्ट हेम्पस्टन में करीब 10.5 मिलियन डॉलर की प्रॉपर्टी भी है, जिसे आरडीजे और उनकी पत्नी अपने बच्चों के साथ छुट्टियां बिताने के लिए यूज करते हैं। इतना सब कुछ होने के साथ आरडीजे बहुत दयालु भी हैं। वो कई सारी संस्थाएं जैसे कि मेक अ विश, क्लॉस ऑफ आवर पैक और मरीन लाइफ को बचाने वाली ओर्का नेटवर्क में भी चैरिटी करते हैं। तो ये रही दोस्तों रॉबर्ट डॉनी जूनियर से जुड़ी कुछ बातें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल आर्मी डॉक्यूमेंट्री को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।